श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्वपूर्ण पर्व चल रहा है। बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि माना गया है कि श्राद्ध के 16 दिन आपके जो पूर्वज होते हैं, जो आपके पितृगण होते हैं, वह धरती पर आते हैं आपसे मिलने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए, उनका सब कुछ अच्छा करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। परंतु जिन पितरों के परिवार के लोग उन्हें भोग अर्पित नहीं करते, उन्हें जल नहीं देते हैं, उनका ध्यान नहीं करते, उनका पूजन नहीं करते, उनके नाम से कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उन पितृगणों को बहुत तकलीफ होती है। और जब 16 श्राद्ध के बाद वह वापस लौटते हैं अपने लोग को, तो वो आपको आशीर्वाद देने की जगह आपको कष्ट प्रद ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत कष्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरीके का पितृ दोष जैसी कोई समस्या ना हो, आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा सुखमय हो, पितरों का आपको आशीर्वाद मिले, तो 2024 पितृपक्ष के सबसे सरल और सबसे अचूक उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि बहुत ही आसान है और इसे कोई भी कर सकता है और आपने करना ही चाहिए। अगर आपके पितृगण आपसे नाराज हैं, तो आप इन छोटे छोटे से उपायों को अवश्य करें। और अगर आपको ऐसे कोई समस्या नहीं है, आपके घर में धन आ रहा है, लक्ष्मी की कृपा है, सभी सुख से शांति से हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो यकीन माने कि आपके घर में पितृ दोष जैसी कोई समस्या है नहीं और आगे ना हो, इसके लिए भी आपको हर साल आने वाले 16 दिन यानी कि श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में पितरों का ध्यान करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, उनको जल समर्पित करते रहना चाहिए और इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से उनको आपको प्रसन्न करना चाहिए, ताकि जब वो वापस अपने लोक की ओर गमन करें तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाए। तो दोस्तों, आपने इस उपाय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेनी, जो कि बहुत छोटी छोटी सी है, करना क्या है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लेंगे एक दीपक, जिसमें कि हमें जलाना है एक लंबी बत्ती। जी हाँ, जब आप पूर्वजों के लिए दीपक जलाते हैं तो एक लंबी बत्ती का दीपक लेंगे यहाँ पर। और अगर तिल का तेल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तिल ना हो तो सबसे उपयुक्त माना गया है घी। तो शुद्ध घी का एक लंबी बत्ती का दीपक लेना है आपको। और जहाँ कहीं पर भी आपके घर में पानी का स्थान है, यानी कि पानी के स्थान को कहा गया है पूर्वज, परंडा, मटका या जो भी आपके घर में पानी का स्रोत है, उस स्थान पर पूर्वजों का वास माना जाता है। और 16 श्राद्ध के दिनों में जब हम भोग निकालते हैं तो गाय, कौवे और कुत्ते को भी पूर्वज का रूप ही माना जाता है। इसीलिए आपने एक दीपक लेना है और इस उपाय को करना है अपने घर के मटके के पास में। ठीक है, अगर आप कहते हैं आपके घर में मटका नहीं है, आरओ है, तो आप उस स्थान पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपने लेना है एक समी पत्र, छोटा सा प्यारा सा समी पत्र लेना है, एक लंबी बत्ती का दीपक लेना है। और आज के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन, जो कि तीसरा है दिन माना गया है, तो आज के दिन आपने इस उपाय को करना ही करना है। और लेकर के शाम के समय इस दीपक को, एक शमी पत्र को लेकर के पहुंच जाना है उस स्थान पर जहां आपके घर में पानी का स्रोत है। आपने सबसे पहले उस शमी पत्र को नीचे रखना है और उसके ऊपर रखना है आपको अपना मिट्टी का दीपक, जिसमें हमने घी या तिल का तेल डाला है। दीपक को प्रज्वलित करना है अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, अपने पुरखों को याद करते हुए। और आपको एक नाम लेना है, आर्यमान। जी हाँ, आर्यमान जो है, इन्हें पूर्वज के नाम से भी माना गया, तो आप अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए दोस्तों। और जब कभी भी आप अपने पूर्वजों के निमित्त से कोई काम करते हैं, तो आपने उसमें काले तिल का उपयोग जरूर करना है, तो 1 से 2 चुटकी काला तिल उसमें अवश्य डाल दें जलते हुए दीपक में। एक बहुत जरूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आगे भी बहुत सारे वीडियो में मैंने ये जानकारी शेयर की है, लेकिन स्पेशली श्राद्ध पक्ष में इस बात का ध्यान रखें कि जो दीपक आप पूर्वजों के निमित्त जला रहे हैं, तो उस दीपक का जो मुंह है, उस दीपक की बत्ती का जो मुंह है, वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की दिशा मानी गई है, यमलोक की दिशा मानी गई है। और जो हमारे पूर्वज होते हैं, मृत्यु के पश्चात वो यमलोक में ही जाते हैं, अपने लोक को जाते हैं, तो इसीलिए
दक्षिण दिशा को पूर्वजों की दिशा माना गया है, तो जो दीपक आप प्रज्वलित करने वाले हैं उसका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने पूर्वजों को ध्यान करते हो। आज के दिन अगर इस दीपक को जलाते हैं तो यकीन माने कि आपके घर में अगर शुक्र ग्रह को लेकर कोई समस्या होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी का शुक्र खराब चल रहा है, नीच का चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो शुक्र को लेकर के कोई भी समस्या परिवार में किसी की होगी तो दोस्तों वह समस्या आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगले दिन जब दीपक ठंडा हो जाता है, दीपक उठा के आप अलग रख सकते हैं क्योंकि आप इसे बार बार उपयोग में ले सकते हैं, और जो समी पत्र है उसे ले जाकर के वापस आपने समी वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। यकीन मानिए इतने छोटे से उपाय को करने मात्र से आपके घर से, आपके जीवन से पितृ दोष जैसी समस्या जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और बहुत ही सरल सा उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इस वीडियो में हम दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही अचूक उपाय है। 2024 श्राद्ध पक्ष में आपने इस उपाय को जरूर करना चाहिए। क्या करना है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद रहे तो एक लोटा तांबे का ले लीजिएगा जिसमें आपने डालना है रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, तांबे के पात्र में रुद्राक्ष डालकर के आपको इसे रखना है वही पानी के पात्र के पास में जहाँ माना गया है पूर्वजों का स्थान। तो एक तांबे के पात्र में जल ले लीजिएगा, सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में आपने तांबे के पात्र में जल लेना है, उसके अंदर रुद्राक्ष डालना है। रुद्राक्ष कोई भी हो सकता है, एक मुखी से लेकर कितने भी मुखी तक, प्रायः पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो आसानी से सभी को मिल जाता है। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कुबेरेश्वर धाम जाता है मित्रों, तो वहाँ पर जो रुद्राक्ष है वो बिना किसी चार्ज के आपको मिलता ही है, वह सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहाँ से रुद्राक्ष ले सकते हैं। ठीक है, तो रुद्राक्ष कोई भी हो सकता है, आपने तांबे के पात्र में रुद्राक्ष को डालकर और ढककर के रख देना है पानी के पात्र के पास, मटका परिंडा या औरों के पास में। रात भर इसको वहां रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात उस तांबे के पात्र को उठाइए और लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष। दोस्तों जो आपने रुद्राक्ष वाला जल बनाया है इस जल को ले जाकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, अपने पुरखों का ध्यान करते हुए, महादेव के नाम का स्मरण, किसी भी नाम का स्मरण करते हुए, और जब आप इस जल को महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं तो जल बहता हुआ आता है जलाधारी से नीचे, और आपने इस जल को किसी पात्र में रोक लेना है। दोस्तों इस जल को आप लेकर के आइए अपने घर पर, और जो भी व्यक्ति घर में बीमार परेशान है उस व्यक्ति को आप पिलाना प्रारंभ कर दीजिए, या फिर जो कोई भी आपके घर में, चाहे वो बीमार हो या स्वस्थ हो, अगर आप इस जल को उस व्यक्ति को पिलाते हैं तो उसके जीवन से बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और कोई रोग कभी भी नहीं लग सकता उस व्यक्ति को। आप देखेंगे कि कैसे वह व्यक्ति जो आपके घर का बीमार हुआ है शिव के ऊपर चढ़े हुए उस रुद्राक्ष जल को पीने मात्र से उसकी बीमारियाँ समाप्त हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी वह धीरे 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 करके ठीक होने लगता है। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसे इस जल को अवश्य पिलाएं, और अगर आप सब स्वस्थ हैं तब भी आपको इसका सेवन करना चाहिए ताकि आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश ही ना कर सके। दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथाओं को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं कुछ जानकारियाँ, कुछ उपाय आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी उन तक पहुँचे, और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। कमेंट में महादेव का किसी एक नाम को जरूर टाइप करें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें आपको। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हर हर महादेव। जय महादेव।